यहाँ पे मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। 2 महीने से हम लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए अपॉइंटमेंट, लेकिन नहीं मिल रहा है सर। और लेकिन हमें पूरा विश्वास है यहाँ आके हमारा होगा, जरूर होगा। लेकिन सर से होगा, आप तो मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही है, मुकेश सहनी से नहीं हो पा रही है। वही बात है सर, आप लोग कुछ कीजिए, किसी तरीके से हमारी बात उन तक पहुँचे ताकि हमारा प्रोसेस आगे बढ़े, क्योंकि अब वही लास्ट उम्मीद है हमारे लिए। हम लोग सब जगह जाके देख चुके, आज यही बात है कि रोड पे उतरना पड़ रहा है। और सोमवार को मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगाया जाता है। आपको बता दें कि जनता दरबार में इस वक्त हम मौजूद हैं, कुछ फरियादी हमारे साथ मौजूद है, स्टूडेंट है, कंफर्ट के स्टूडेंट है, एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, परंतु अभी तक कुछ कारणवश बहाली नहीं हो पाई है। क्या कारण है, हम इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम तो प्रियंका कुमारी है। क्या दिक्कत हो गया कंफर्ट में? सर कंफर्ट में ये दिक्कत हो गया है कि हम लोग वैकेंसी जो है सितंबर में आई हुई है 2020, और अभी एक साल से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है, जून में रिजल्ट आया है, ठीक है। मेरिट लिस्ट ये फाइनल बन चुका है, देख लीजिए सारा मेरिट लिस्ट है, देखिए सारी मेरिट लिस्ट वेबसाइट में भी आज तक दिख रही है। अच्छा, ये ऑनलाइन आ चुकी है? जी बिल्कुल ऑनलाइन आ चुकी है, वेबसाइट में विजिबल है, आज तक भी विजिबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन 4 महीने हो चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं है, हम लोगों का कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। हेल्पलाइन से कहा गया था कि आपका 22 से 31 तक हो जाएगा, जुलाई तक 21 तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग बहुत जगह अप्रोच करने की कोशिश किए, रिक्वेस्ट करने की कोशिश किए, पशुपालन विभाग में बोले, लेकिन कोई इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। पशुपालन विभाग मुकेश सहनी मंत्री है जी, जी, तो जी। उनसे बात करने की कोशिश किए, वो बोले हम आपका 10 दिन के भीतर इसका जरूर कुछ अच्छा करवाते हैं, इसका प्रोसेस आगे। कब मुलाकात हुई थी उनसे? सर 14 सितंबर 2021 को मुलाकात हुई थी। अभी 10 दिन से तो कई ऊपर, 1 महीना हो रहा है, 1 महीना से ऊपर हो रहा है सर। फिर दोबारा गए थे मिलने के लिए? दोबारा कुछ लोगों ने अप्रोच किया था तो, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया सर। आज जनता दरबार में आए हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? नहीं सर, यहाँ पे मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। 2 महीने से हम लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए अपॉइंटमेंट, लेकिन नहीं मिल रहा है सर। और लेकिन हमें पूरा विश्वास है यहाँ आके हमारा होगा, जरूर होगा। लेकिन सर से होगा, आप तो मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही है, मुकेश सहनी से नहीं हो पा रही है। वही बात है सर, आप लोग कुछ कीजिए, किसी तरीके से हमारी बात उन तक पहुँचे ताकि हमारा प्रोसेस आगे बढ़े, क्योंकि अब वही लास्ट उम्मीद है हमारे लिए। हम लोग सब जगह जाके देख चुके, आज यही बात है कि रोड पे उतरना पड़ रहा है। क्या कोविड का बहाली भी दिया जा रहा है कि कोविड के कारण नहीं हो पा? वो तो पहले ही कह दिया गया था, मई जून जुलाई में हम लोग का था कि रिजल्ट आ जाएगा। फरवरी में जो हमारा है एग्जाम कंडक्ट हो चुका था, उसके एंड में हमारा जो रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का जो शी मार्क, मतलब उनका जो क्वेश्चन पेपर था, आंसर था, वो सारा भी दिखा दिया गया था कि आपका है, अगर आपको आंसर की निकल गया था कि आपको क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं 3 दिन के अंदर। और फिर हम लोगों का प्रोबेबल रिजल्ट तो हम लोगों को लग रहा था कि 1 महीने बाद आ जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी एंड तक आ गया था उसका आंसर की, तो अब 1 महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट कोरोना की वजह से डिले हुआ, 26 जून 2021 को आया। फिर उसके बाद सर हेल्पलाइन के थ्रू, कॉम्फेड की हेल्पलाइन के थ्रू हमें कहा गया कि 22 जुलाई से 31 जुलाई तक हो जाएगा, लेकिन सर कुछ नहीं हुआ। कितने अभ्यर्थी है टोटल? सर देखिए 142 वैकेंसी थी, जिसमें 140 लोगों का करीब सिलेक्शन हुआ है। मेरिट लिस्ट में नाम है 143 का? बिल्कुल बिल्कुल, 140 लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम है, फाइनल मेरिट लिस्ट है। सीटें भी खाली हैं कुछ, लेकिन मतलब 142 था और 140 ही मतलब कैंडिडेट्स का नाम है, तो कुछ सीट खाली भी हैं तो। लेकिन सर अब तो कुछ हो जाना चाहिए ना, मेरिट लिस्ट बन गई, हम लोग को कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रहे हैं, इतना मेल लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रिजल्ट नहीं। रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट सर 26 जून 2021 को आया था। तो कम्फिट का एग्ज़ाम हुआ था, आपको बता दें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से लचर हो चुकी है, ये बीते दिनों की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। अब कम्फिट के अभ्यर्थी यहां पर आए हैं और 26 जून को ही रिजल्ट आ गया था, मेरिट लिस्ट जारी की गई है। मेरिट लिस्ट में कुल 140 अभ्यर्थियों का नाम है जो पास हो चुके हैं। 142 वैकेंसी था टोटल, 2 सीट अभी भी उसमें रिक्त है, परंतु जो सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि पशुपालन विभाग जो कि मुकेश सहनी जिसके मंत्री है, मुकेश सहनी विभाग संभालने के बाद ही साफ तौर पर कहे थे कि इस विभाग को मैं काफ़ी इज्जत से लूँगा और जो भी काम होगा अतिशीघ्र किया जाएगा, परंतु जो तस्वीरें हैं वो साफ आप देख सकते हैं, जनता दरबार की तस्वीर है। कई अभ्यर्थी अभी भी आए हैं, फरियादी है, 2 महीने से लगातार ये लोग अप्लाई कर रहे हैं,
और अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी समस्या को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास इनकी समस्या जाए ताकि मुख्यमंत्री इनके समस्या का कुछ ना कुछ संज्ञान ले। परंतु जो मौजूदा तस्वीर है वो ये है कि अभी भी अभ्यर्थी सड़कों पर ही भटक रहे हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ। हमारे हौसला अफजाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।